सर एक बार ये लेखांकन प्रमाप जो है वो आप मतलब एक बार बता सर दीजिए, लेखांकन समझ नहीं आता सर। एक बार लेखांकन प्रमाप बता दें। जी सर। लेखांकन प्रमाप का मेरी भाषा में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए प्रमाप का मतलब होता है कि कोई मानक या स्टैंडर्ड तय कर लेना। मानक या स्टैंडर्ड हर क्षेत्र में हो सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी के मानक या स्टैंडर्ड जब हम तय करते हैं तो हम ये बताने लगते हैं कि इस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक श्लोक है संस्कृत का, काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथा उच्चार। इसका तात्पर्य है कि कौवे जैसी काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चतुराई हो, दृष्टि हो, वको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान हो, स्वान निद्रा, स्वान मने होता है कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद हो, और काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा उच्चार। इसके अलावा अल्पाहारी ग्रह जागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी यानी कम खाने वाला, ग्रह त्यागी का मतलब ये नहीं कि जंगल चला जाए सब कुछ छोड़ करके। यह ग्रह त्यागी का तात्पर्य होता है कि वह हर में जो कुछ भी हो रहा है उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, उसे इन्वॉल्व होना है अपनी पुस्तकों में, अपनी पढ़ाई में। तो ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के पांच लक्षण। अब जैसे ये लक्षण जब मैंने बताया, मैं संस्कृत तो पढ़ाने नहीं जा रहा था, मैंने ये श्लोक इसलिए पढ़ा कि ये एक तरह से मानक है कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। अगर ये सारी चीजें विद्यार्थी को कर रहा है तो आचरण नहीं तुलाएगा तो वह अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा वह व्यक्ति, ठीक। इसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मानक या जो अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर दिया जाता है कि अकाउंटेंट्स को इस तरह से ये रूल्स या जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो रूल्स होंगे, डूज और डोंट्स जो होंगे, या यूं कहें कि एज अ सेट कोड ऑफ कंडक्ट जो है अकाउंटेंट्स का, वो अकाउंटिंग मानकों से या लेखांकन मानकों से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही तय होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में ऐसी संस्था कौन सी है जो ये तय करे कि अकाउंटिंग मानक कौन से होंगे। तो भारतवर्ष में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यही वो संस्था है जो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंट्स को देती है, डूज और डोंट्स देती है, रूल्स और रेगुलेशन देती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होंगे बच्चों, डूज और डोंट्स जो होंगे, ये अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से होंगे अलग अलग, ठीक है। परिस्थितियों के हिसाब से मेरा तात्पर्य यह है, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरा तात्पर्य यह है कि सिचुएशंस, जैसी सिचुएशन होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप पाएंगे कि जो अकाउंटेंट्स हैं उनको गाइड किया गया है कि वो कैसे कैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस का कंप्लीट सेट होता है जो ICAI के द्वारा इंडिया में दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे संस्थान हैं जो अकाउंटिंग मानक तय करते हैं, इन्हीं को हम अकाउंटिंग मानक बोलते हैं। मानक का तात्पर्य और कुछ नहीं है, कुछ सेट क्राइटेरिया होते हैं, उन्हीं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। जितनी बात मैंने बोली इसमें किसी को कोई डाउट है? आप में से किसी की आवाज अगर नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। प्लीज बोलें, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। देखिए मुझे 3-4 बार अगर पूछना पड़ेगा कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उसमें टाइम आपका खराब होगा, मेरा ही नहीं अकेले खराब होगा। और अपना अपना माइक जो बंद करके बैठते हो ये मत करो, पहले भी कह चुका हूँ, अपना हाँ या ना की प्रतिक्रिया प्लीज देते रहो, तो उसमें ना तो टाइम खराब होगा और ना ही मूड, दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि वो सुरक्षित रहे, ठीक है, और उनका सदुपयोग हो। तो इसलिए अभी ये जो मैंने बोला ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया थोड़ा सा आए तो बताइए, ना आए तो जबरदस्ती नहीं कि कहे कि आया है समझ में, फिर से बताने की कोशिश की जाएगी।
हर चीज को एक्सप्लेन करने के 500 तरीके होते हैं, अगर समझ में आया है तो बताइए। अच्छा अभी जितना मैंने बोला है उसको सुन करके आपको कितना समझ में आया कि ये क्या होता है, क्या चीज है? मैंने आपसे बोला कि ये डूज और डोंट्स होते हैं, डूज और डोंट्स मतलब नियमों की बात होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब हम बोलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है तो हम बोल रहे होते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में क्या करना है क्या नहीं करना है ना। जैसे हम आपसे कहें कि ये आपके डूज और डोंट्स हैं तो ये अलग अलग परिस्थितियों के ही तो होंगे। जैसे जब आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आपको उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आप प्रतिक्रिया जो भी यथास्थित है उसके अकॉर्डिंग देंगे। प्रतिक्रिया कैसी देंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसी ही प्रतिक्रिया दें, आपको समझ में आएगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं आएगा तो ना बोलेंगे। ये कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जो है उसमें यही बोलेंगे हाँ समझ में आया, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं, लेकिन जरूरत इस बात की कि हाँ या ना बोले कुछ ना कुछ। तो ये एक सिचुएशन हो गई जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ये करना है और ये नहीं करना है, जैसे प्रतिक्रिया देनी है और चुप नहीं रहना है, अगर कोई डाउट है तो पूछना है, शांत नहीं रहना है, मन में नहीं उसे बसा के रखना है केवल, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि डूज और डोंट्स का तात्पर्य यही है कि अलग अलग परिस्थितियों में कुछ नियम दे दिए जाते हैं, तो कुछ उपनियम दे दिए जाते हैं, कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए जाते हैं। ये क्राइटेरिया ही ये बताते हैं कि कोई भी काम को कैसे किया जाएगा, किसी भी काम को करने का एक आदर्श तरीका होता है, वह तरीका ही मानक तरीका है जिसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है? जैसे आपको कोई सब्जी बनानी है तो उस सब्जी को बनाने का एक मानक तरीका होगा, या उसमें नमक उसमें मिर्च उसमें मसाले या उसमें जो भी इंग्रेडिएंट पड़ते हैं उनके कुछ अपने मानक है ना। आप उन मानकों से इतर ना तो आप कोई चीज कम डाल सकते हैं ना ज्यादा डालेंगे, अगर कम ज्यादा कर देंगे तो चीज जो बना रहे हैं वो सब्जी तो नहीं होगी, कुछ और हो सकती है। तो इसी तरह से क्राइटेरिया जब सेट हो जाता है मतलब आदर्श स्थिति आप पहले से बता देते हैं, उन आदर्श स्थिति से जब कोई भी भटकता है तो हम उन्हीं आदर्शों के आधार पर उनका मूल्यांकन कर पाते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर पाते हैं कि भाई आपने ये गलती की है अब आप इसे सुधार लीजिए। ठीक बात समझ में आई? अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर आपको ये बात अभी भी नहीं समझ में आई तो क्या मैं इसे फिर से पढ़ाऊँ जो किताब है उसके हिसाब से? जो बात मैं बोल रहा हूँ उसे समझने में आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर। तो ये जो स्क्रीन आपके सामने है जब आप इसे देख रहे हैं तो इसमें लेखांकन प्रभाव का जो अर्थ यहाँ लिखा है इसमें सबसे पहली लाइन जो है 1973 से अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिति है AISC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक जारी किए गए। इस बात को समझने में कोई समस्या है? एक तो समिति का नाम है उसे एक दो बार पढ़ लीजिए, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति, इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए थे, कब किए थे? 1973 में। पहली लाइन में कोई समस्या किसी को? फिर उसके बाद में लिखा है कि व्यवसायिक भाषा में यानी कि बिजनेस लैंग्वेज में जो लेखांकन होता है वह वित्तीय परिणाम को बताता है। वित्तीय परिणाम होता है लाभ या हानि हुई तो कितनी हुई, यही वित्तीय परिणाम है। तो ये वित्तीय परिणाम कौन बताता है? लेखांकन बताता है और ये व्यवसाय की भाषा है, ठीक है? यानी कि अगर हम यूं भी कहना चाहें कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो लेखांकन के कुछ नियम होते हैं, ये नियम जो हैं ये भौतिक विज्ञान की तरह कठोर या रिजिड नहीं होते हैं, है ना? और उचित लेखांकन मानकों का गठन मतलब निर्माण, अगर आपको सही जो मानक हैं लेखांकन मानक अगर आप उनका निर्माण करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि आप लेखांकन की भाषा को विकसित कर सकें। अच्छा मुझे बताइए जितनी भी भाषाएं उन सबके अपने नियम हैं, उनके अपने मानक हैं कि नहीं? अंग्रेजी बोलने के अपने मानक हैं, किसी शब्द का उच्चारण आप कैसे करेंगे? अगर वो उच्चारण जैसे मान लिया मैं बोलूं ला तो ला गड़बड़ हो गया, मुझे लॉ बोलना पड़ेगा,
लॉ बोल दिया तो उसका मानक जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोनंसिएट कर दिया, अगर मैंने ला बोला तो ला गड़बड़ हो गया, ठीक है, वो अंग्रेजी में मैं ला बोल रहा हूँ या ला मतलब लाओ मुझे दे दो ये बोल रहा हूँ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं लॉ बोलूंगा लॉ तुरंत क्लियर हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी के लॉ को बोल रहा हूँ जो कानून की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से हर भाषा के अपने मानक होते हैं, चूंकि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है तो उसके भी अपने मानक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और उन्हीं मानकों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो मानक हैं लेखांकन नीतियां जो होती हैं और जो प्रथाएं होती हैं उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं, यानी कि लेखांकन नीतियों का मतलब है, नीति का मतलब होता है पॉलिसी, उनकी जो लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार है अकाउंटेंट्स किस तरह से काम करेंगे ये उनकी नीति के अंतर्गत आता है, इसे लेखांकन नीति बोलते हैं। और प्रथा का मतलब है कि अकाउंटेंट जो सैकड़ों वर्षों से करते चले आ रहे हैं, ये जो नीतियां हैं अकाउंटिंग की या जो ये जो कस्टम्स हैं प्रथाएं हैं ये किसके द्वारा गाइड होते हैं, ये इन्हीं लेखांकन मानकों के द्वारा गाइड होते हैं। लेखांकन मानक यानी कि क्राइटेरिया कि कैसे अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, और किसी भी भाषा के लिए अनिवार्य है कि उसके कुछ ना कुछ मानक हो पहले से तय हो, ठीक है। अब यह का मतलब यही जो लेखांकन मानक हैं या लेखांकन प्रमाप जो हैं ये गाइड करते हैं कि वित्तीय विवरण जब आप बना रहे हैं तो बनाने के लिए खाते आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे, वार्षिक प्रतिवेदन अगर आप बनाएंगे यानी कि सालाना अगर कोई रिपोर्ट बनाएंगे तो वह कैसे बनाएंगे, ठीक है। इन मानकों का उद्देश्य क्या होगा कि उपयोगकर्ता जो होते हैं अकाउंटिंग के यूजर्स आपने पढ़े थे ना, एक तो सबसे पहला यूजर मैनेजर होता है, व्यापारी होता है, जो आपके एम्प्लॉय होते हैं वह होते हैं, जो आपके कंपनी में पैसा लगाते हैं विनियोजक इन्वेस्टर्स वह होते हैं, जो आपको उधार देते हैं लेनदार, सरकारें जो आपके ऊपर टैक्स लगाती हैं, ये सब आपके यूजर्स हैं, यहाँ तक कि कस्टमर्स भी आपकी बैलेंस शीट वगैरह देख करके आप पे भरोसा करने की का मन बनाते हैं, तो वो आपकी बैलेंस शीट पहले देखते हैं। वो कस्टमर्स जो बड़े ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, जो कंज्यूमर है वो आपके यहाँ से कोई बिस्किट खरीदने के लिए आपकी बैलेंस शीट चेक करेगा ऐसा नहीं जरूरी है और ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई करोड़ों का बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहता है और वो आपका कस्टमर है, थोक का आपका बायर है परचेजर है, तो वह तो आपकी बैलेंस शीट चेक करेगा पहले, ठीक है। तो ये सारे हैं यूजर्स, और लेखांकन मानक जो होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो यूजर्स हैं उनको जानकारी मिले, ऐसी जानकारी जिसके आधार पर खातों को तैयार किया जाता है, यानी कि जो यूजर्स हैं उन्हें यह भी पता चले ना कि जो खाते आपको प्रस्तुत किए गए हैं चाहे वो लाभानि खाता हो चाहे वह बैलेंस शीट हो आर्थिक चिट्ठा, ये किन किन नियमों के आधार पर बनाया गया है। अगर ये नियम ही नहीं आपको पता होंगे तो आप गेम क्या समझ पाएंगे। क्रिकेट का गेम देखना अच्छा लगता है आप में से किसी को, कोई देखता है क्रिकेट? ओके यस सर। चलिए दो लोग क्रिकेट देखते हैं सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने अगर क्रिकेट चला दो क्रिकेट मैच अगर टीवी पे आ रहा हो तो वो बोर हो जाते हैं, उन्हें नहीं कुछ समझ पाता है। आपको आश्चर्य होता होगा कि ये क्यों बोर हो जा रहे हैं, क्यों इनको क्रिकेट अच्छी नहीं लगती, उसका रीजन है उन्हें क्रिकेट के नियम ही नहीं पता है। उन्हें जो क्रिकेट में शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है वो जो शब्द बोल रहा है उन्हें पता ही नहीं कि क्या वो बोल रहा है। तो जब यू डोंट अंडरस्टैंड द रूल्स यू कांट एंटरटेन योर सेल्फ आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। रूल ही नहीं पता है अगर तो क्या आप उस गेम से कोई आनंद ले पाएंगे। आप देखिए जो लोग ताश खेलते हैं ताश खेलने में इतना मगन हो जाते हैं दिन भर ताश खेलते रहते हैं, जो लोग लूडो खेलते हैं जो लोग शतरंज खेलते हैं उन्हें तो मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी उनकी वही है। शतरंज के खिलाड़ी तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जिसपे बाकायदा सीरियल बना टेलीफिल्म बनी है, जिसमें युद्ध हो रहा था आक्रमण कर दिया गया था रियासत पे उनकी और नवाब थे कि वो शतरंज के खेल ही खेलते रहे, ठीक है। तो ये कब हुआ, अगर मेरे सामने चेस रख दी जाए तो मुझे चेस अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं कहूंगा कि ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप इंटरेस्ट ले नहीं सकते कहीं पे भी। ये हर विषय के साथ भी होता है, अगर आप उस विषय की बेसिक टर्मिनोलॉजी या उसका कैरेक्टर अगर आप नहीं जान पाए हैं
तो आप उस विषय में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, उस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग के साथ इन्होंने जो बात अभी कहने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने ये उदाहरण दे दिए, इन्होंने ये कहा है कि जो यूजर्स होते हैं वो यूजर्स जानना चाहते हैं कि अकाउंटिंग जो ये की गई है, ये अकाउंटिंग क्या है दरअसल, ये बताता क्या है। तो किसी भी चीज को देख करके उसका निष्कर्ष निकालने के लिए अनिवार्य है कि वह जो चीज आपके सामने रखी गई है वह किन नियमों के आधार पर तैयार की गई है, आपको ये पता हो। ठीक है, अगर आप खातों को बनाने के नियम जानते हैं तो आपके सामने जब बैलेंस शीट आएगी किसी भी कंपनी की, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि इस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या संदेश छिपा हुआ है, क्या छिपाया गया है और क्या जानबूझ के प्रकट किया गया है, आप तुरंत जान जाएंगे। इफ यू आर अवेयर ऑफ द रूल्स आप प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ये सर नो। ऐसे ही क्रिकेट में आपको मजा तब आता है ना जब आप उसके नियम जानते हैं, नियम नहीं जानते तो आपको बकवास लगता है। चेस, लूडो, कैरम, व्हाटएवर, अगर आपको नियम अच्छे से पता है तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और समझ पाते हैं उसके क्या चीजें हैं। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये बेसिकली अगर लोगों को पता, सबको पता हो जाए अगर, तो आप जान जाएंगे कि अकाउंटेंट ने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि एक ही काम को करने के कई तरीके हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि अलग अलग परिस्थिति में कौन सा मेथड ज्यादा उपयुक्त होगा। एक ही काम को करने के अनेक जो मेथड होते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें गाइड करते हैं। इसमें बीच में इसमें कहां आप देखिए क्या आया है, लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का दिशा निर्देश करते हैं। दिशा निर्देश मतलब किस डायरेक्शन में जाना है ये बताने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इट मींस इन द सेम सिचुएशन इफ देयर आर 3, 4, 5 मेथड्स अवेलेबल देन व्हिच मेथड वुड बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको पता चलेगा। तो जो यूजर्स हैं उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के माध्यम से यह बताया जा सके कि ये जो अकाउंटिंग आउटकम्स आपके सामने हैं किसी मतलब विवरण के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में या रिपोर्ट के रूप में, दरअसल वह कहते क्या है। ठीक है, इसलिए लेखा मानकों का जानना सबके लिए जरूरी है, फॉर ऑल हु आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। यस सर, तो इसमें जो लाइन टू लाइन इन्होंने बात बताई है, इसमें अंतिम दो लाइनें लेखा मानक का निर्माण होने से, यानी कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप तय कर चुके हैं, उन्हें सेट कर चुके हैं, तो जो विभिन्न उद्यम हैं, अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं, उनके जो वित्तीय विवरण होते हैं उनकी आपस में आप तुलना कर सकते हैं। अगर लेखांकन के नियम ही सेट नहीं है तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मानक स्थापित करने का उद्देश्य क्या होगा, वित्तीय प्रतिवेदनों में एक रूपता लाना। वित्तीय प्रतिवेदन में एक रूपता का तात्पर्य क्या हुआ कि जब आप नियम एक ही कर लेंगे तो आप पाएंगे कि रिपोर्ट जो होंगी वो लगभग एक जैसी बनेंगी, एक ही जैसे फॉर्मेट के साथ बनेंगी, एक ही जैसे हेडिंग्स के साथ बनेंगी, एक ही जैसे कॉलम के साथ बनेंगी, तो आप उनमें आसानी से तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन पूछा गया और कहा गया कि इसमें 5-5 बिंदु लिखिए हेडिंग डालते हुए। ठीक, तो अब अगर हेडिंग्स जो लिखाई जा चुकी हैं वो पहले से तय हैं, 5-5 बिंदु लिखनी, किसी ने 4 बिंदु लिखे, किसी ने 5 लिखे, तो जिसने 4 लिखे उसका मैटर उतना अच्छा नहीं है, जिसने 5 लिख दिए उसका मैटर ज्यादा सही तुलना होगी। लेकिन अगर हमने ये तय ही नहीं किया कि 5 बिंदु लिखने, अगर हमने उससे पहले वो आंसर लिखवाया ही नहीं है, उस वो 5 पॉइंट कौन कौन से ये सेट ही नहीं किया, तो तुलना कैसे कर पाएंगे। तो लेखांकन मानक दरअसल पहले से ही तय कर देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इतनी बात समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? जी सर। तो अगर ये समझ गए तो अब ये भी समझ लीजिए कि जो अर्थ में आपने जाना उसमें इसका उद्देश्य भी छिपा हुआ है कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो दरअसल किस आधार पर तैयार किया गया है। तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य है उनमें से सबसे पहला उद्देश्य क्या निकल के आया, सबसे पहला उद्देश्य निकल करके आया कि जो अलग मतलब हुआ कि आप, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अभी आएगी। स्क्रीन दिख रही है, ये पीडीएफ दिख रही है? यस सर। यस सर, इसका मतलब आवाज भी आ रही है ना? आ रही है सर, अब आ रही है, मतलब पहले आपका। हाँ कोई बात नहीं, होता है। तो जो लेखांकन प्रमाप है इनके उद्देश्य क्या है, आइए अब हम इन्हें जानते हैं। लेखांकन प्रमापों के जो उद्देश्य हैं
उन उद्देश्यों में पहला उद्देश्य क्या है, विविध लेखांकन में एकरूपता लाना, यानी उन्हें एक जैसा बनाना, ठीक है, उनकी तुलना को संभव करना, व्यावसायिक वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को निश्चित करना, लेखांकन प्रक्रिया और जो सिद्धांत है अगर उनमें हमने कोई परिवर्तन कर दिया है तो वो परिवर्तन हमने क्यों किया है, उस परिवर्तन को करने के पीछे की नीति यानी कि पॉलिसी क्या है उसको उजागर करना, मतलब उसको स्पष्ट कर देना, ठीक है, अकाउंटिंग बुक्स में नोट के माध्यम से लिख देना कि हमने ये मेथड क्यों चेंज किया। मान लिया पहले हम डिप्रिसिएशन का स्थायी प्रभाग पद्धति यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अप्लाई कर रहे थे और इस साल से हमने डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड अपनाना अगर शुरू कर दिया। अभी सिर्फ नाम सुनिए, ये जानिए कि अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज करने के ये दो मेथड्स हैं, ठीक है, पहले एक मेथड अप्लाई कर रहे थे, अभी हमने दूसरा मेथड बदला है, मतलब दूसरा मेथड हमने अप्लाई करना शुरू किया है डिप्रिसिएशन में। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें ये बताना होगा। तो हम बताएंगे कि क्योंकि सरकार ने इस वर्ष से ऐसा कंपलसरी कर दिया है कि ये जो असेट है जिसपे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लगा रहे थे अब उस पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही लगेगा, ठीक है, तो इस वजह से हम इस मेथड को बदल करके अब लगाना शुरू किया है। तो ये आपको उसमें कहीं ना कहीं मेंशन करना रहेगा ताकि जब ऑडिटर आए तो आपसे ये सवाल करने की नौबत ही ना आए, अकाउंटिंग बुक्स में पहले से ही उसको ये सूचना मिल जाए। बात क्लियर है? उसके बाद में आती है लेखांकन प्रभाव के क्या क्या लाभ होते हैं। प्रभाव यहाँ लिख गया, इसको आप प्रमाप कर लीजिए, लेखांकन प्रमाप यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या क्या लाभ होते हैं। तो जो उद्देश्य है वही लाभ है लगभग आप देख सकते हैं, लेखांकन में एकरूपता लाना, यूनिफॉर्मिटी ले आना, यही ऊपर उद्देश्य भी था, यही लाभ भी है। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, आप आपस में इसी के माध्यम से तुलना कर पाते हैं, ठीक है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंटिंग की जाती है तो वित्तीय विवरणों पर जो यूजर्स होते हैं उनका भरोसा बढ़ता है, विश्वसनीयता बढ़ती है। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे होते हैं तो ये इसी तरह से बनाए गए हैं कि कोई अकाउंटेंट भी अगर चाहे तो भी कोई भी इसमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता या मिस इंटरप्रिटेशन भी करने के लिए कोई भी चीज, कोई आंकड़ों का मतलब हेरा फेरी वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये चूंकि ऐच्छिक नहीं है अकाउंटेंट के लिए, ये प्रमापों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है, तो कोई भी अकाउंटेंट प्रबंधन या प्रबंधक की इच्छा से कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता, कोई गलत सूचना नहीं दे पाता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अंकेक्षक की सहायता यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जब कोई अंकेक्षक यानी ऑडिटर अकाउंटिंग बुक्स को चेक करने के लिए आता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए आता है, तो वह यही देखता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए कि नहीं किए गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही नियम है, कायदे हैं, कानून है जिनको फॉलो करना है अकाउंटेंट को, तो वह इन्हीं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इन्हीं की लाइट में ये चेक करता है, समझ लीजिए इन्हीं की रोशनी में ये चेक कर पाता है कि मामला ठीक से काम किया गया अकाउंटेंट के द्वारा कि नहीं किया गया, ठीक है, तुलना कर पाते हैं। इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, सीमाएं ये हैं कि विधि का चुनाव करने में असुविधा है, मेथड्स कई सारे हैं, उसमें से कौन सा आप मेथड चुनेंगे इसमें थोड़ा सा कठिनाई आती है, तो उसके लिए उसका उत्तर भी इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में छुपा हुआ है, ठीक है, उसके लिए आपको इनको और ध्यान से एनालाइज करना होगा और आप बड़े आसानी से जान पाएंगे कि कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन हाँ, सीमा लगती है क्योंकि प्रथम दृष्टया मेथड चुनना कठिन लगता है। दूसरा, सीमित क्षेत्र, जो लेखांकन प्रमाप होते हैं वो कानून विधिपूर्ण होते हैं, मतलब इनमें लीगेलिटी होती है, ठीक है, ये कुछ निश्चित नियम है, जैसे कानून क्या होता है, कानून और कुछ नहीं है, कुछ निश्चित नियमों का एक सेट होता है, तो ऐसे ही क्योंकि ये लीगेलिटी का गुण धारण करते हैं तो इनमें भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। और इस प्रकार से किसी अच्छी नीति को धारण करने में एज एन अकाउंटेंट, मतलब उस पूरे नियमों के सेट को अपने आप व्यवहार में ले आए एज एन अकाउंटेंट, तो अपने आप में काफी टाइम टेकिंग है, समय लगता है, तो जब समय लगता है तो बहुत कम लोग ही है इसका जो उपयोग कर पाते हैं और इसीलिए इसका क्षेत्र सीमित है, क्योंकि ये काम करने में हर व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका क्षेत्र सीमित कहा जाता है। महत्व की अगर बात करें, इतने सारे लाभ हैं जो इनके उद्देश्यों को, जो अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को लेखांकन प्रमाप पूरा कर पाते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये लेखांकन की नीति है जो लेखांकन सिद्धांतों विधियों में आपको चुनाव करने की सुविधा देती है कि आप कौन सी लेखांकन सिद्धांत और कौन सी विधि को चुने। लेखांकन के विभिन्न जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम
AS1 to AS32 वो विभिन्न शब्दों को भी एक्सप्लेन करता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बकायदा एक्सप्लेन किया गया है। आपकी किताब में तो केवल ये मेंशन किया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या है, 2 में क्या है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे, जो लॉ है उसे पढ़ेंगे, या जो रिपोर्ट्स आई है जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुकलेट बोलते हैं, अगर वो आप पढ़ेंगे तो उसमें बकायदा उनका पूरा विवरण दिया गया कि AS1 है क्या, और उसमें बहुत सारे शब्दों को बकायदा एक्सप्लेन किया गया। तो ये बकायदा टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं, वित्तीय विवरण को प्रदर्शित करने की एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है अपने आप में। साइंटिफिक सीधा सीधा मतलब है कि कुछ निश्चित नियम होंगे, कुछ निश्चित सिद्धांत होंगे। तो साइंटिफिक का मतलब है कि जब निश्चित नियम होंगे तो ये साइंटिफिक हो गया। कॉन्सेप्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं कि कोई सिद्धांत, तो वित्तीय विवरणों को कैसे प्रदर्शित करना है निश्चित नियमों के अंतर्गत जब उनका प्रदर्शन करते हैं, तो ये उसी की एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कही जाएगी। वित्तीय लेखांकन को वैश्विक रूप से स्वीकार कराते हैं, यानी कि आपने जो अकाउंटिंग की है आपकी अकाउंटिंग पूरी दुनिया में कहीं पे भी एक्सेप्ट कर ली जाए, इसके लिए जो सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनका अनुपालन करना होगा। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अनुपालन नहीं किया तो आपकी जो बैलेंस शीट है या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो है तुलनात्मकता कंपेरेटिबिलिटी नहीं बनेगी, वो कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वैश्विक रूप से ये स्वीकार तभी हो पाएंगे जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगे। प्रयोगकर्ता की व्यापारिक स्थिति विवरण को स्पष्ट करते हैं, प्रयोगकर्ता की जगह प्रयोगकर्ता को कर लीजिए, प्रयोगकर्ता को यानी कि जो यूजर होता है उसको, जो व्यापार है जिसका वो विवरण देख रहा है उसकी स्थिति क्या है वह स्पष्ट कर देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बैलेंस शीट नहीं स्पष्ट करता केवल, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट तो अभी आपके सामने अगर किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट रख दें, क्योंकि अभी आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं, तो आपको कुछ वो स्पष्ट करेगा क्या? आपके लिए वो बैलेंस शीट बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर जैसी स्थिति होगी अभी, लेकिन जब आप 1 साल 2 साल पढ़ चुके होंगे अकाउंटिंग, तो बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आप उसको बकायदा एक्सप्लेन कर सकेंगे, उस पर बोल सकेंगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बड़े आराम से कि इस कंपनी की ये जो बैलेंस शीट है ये हमें ये बताती है कि ये इसकी ये स्थिति है, पिछले साल से ये बेहतर हुई या खराब हुई, या बड़े आसानी से देख करके बता सकेंगे। तो प्रयोगकर्ता जो यूजर्स हैं, जब उन्हें नियम पता है तभी वो स्टेटमेंट उनके लिए कुछ संदेश रखते हैं, नहीं तो वो वही बात है कि उनमें कुछ उनके काम का नहीं होगा, उनको लिए वही होगा जैसे चाइनीज में कुछ लिखा हुआ हमारे ऐप के लिए। ठीक है, तो ये यूजर्स को अगर ये लेखांकन प्रमाप यूजर को पता है तो जो व्यापारिक स्थिति है विवरण के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से जान पाते हैं, लेखांकन विधि का सामान्य नजरिया प्रस्तुत करते हैं, यही जो लेखांकन मानक है। लेखांकन विधि का सामान्य नजरिया यानी कि अकाउंटिंग मेथड जो है या अकाउंटिंग सिस्टम जो आपने अपनाया हुआ है वो किस नजरिए किस दृष्टिकोण के साथ आपने अपनाया हुआ है, यानी कि जो अकाउंटिंग का कार्य आपने किया है वो करने का आपका दृष्टिकोण क्या रहा है। ये जैसे ही अकाउंटिंग स्टेटमेंट सामने आते हैं वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से परिचित व्यक्ति जान जाता है कि अकाउंटेंट ने किस माइंडसेट के साथ इसको तैयार किया, ठीक है, उसका दृष्टिकोण क्या रहा होगा, ये समझ में आ जाता है। किसको समझ में आ जाता है? वह जो ऑडिटर होता है। ठीक है, ऑडिटर का ही तो काम है कि ये चेक करना कि अकाउंटिंग का कार्य ठीक से किया गया कि नहीं। तो ऑडिटर बेसिकली जैसे ही अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को देखता है तो वो जान जाता है कि किस नजरिए के साथ अकाउंट्स तैयार किए गए। और अंत में जो इसका महत्व है वो इसलिए है कि लेखांकन मानक भी विभिन्न बाहरी समूहों के बीच वित्तीय हित के संभावित संघर्षों को हल करने में महत्वपूर्ण है। लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो लेखांकन मानक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए, जिनका नाम मैं अभी ले चुका हूँ, जिसमें गवर्नमेंट आती है, सप्लायर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, पब्लिक आती है, आपके कस्टमर्स आते हैं, फाइनेंसर्स आते हैं, ये सारे लोग समूह हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनके जो वित्तीय हित हैं यानी फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट है वो सब बिजनेस किसी एक बिजनेस से अपने अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, और इसलिए उनका आपस में भी संघर्ष रहता है और बिजनेस के साथ भी वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं कि उस बिजनेस से उन्हें ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले या फाइनेंशियल लाभ मिले। तो अकाउंटिंग मानक जो होते हैं जब उन्हें पहले से पता होते हैं तो वित्तीय जो विवरण है उनका वो सही से एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं और इस तरह से वह उस बिजनेस से ज्यादा लाभ उठा पाते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि फाइनेंशियल उद्देश्य अकाउंटिंग
मानक कैसे पूरा कर पाएंगे? आप जब किसी कंपनी की, किसी बिजनेस एंटरप्राइज की बैलेंस शीट देख रहे होंगे, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से परिचित हैं तो आप उसका सही से एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे और उसके बारे में जान पाएंगे कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और फिर आप यह तय कर पाएंगे कि हमें इसके साथ किस तरह के रिलेशंस रखने, और तभी आप अपने उस कंपनी के साथ जो भी आर्थिक हित है उनकी अनुपूर्ति कर पाएंगे, उनकी पूर्ति कर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ यहाँ पे रहे महत्व, ये बातें मैंने वीडियो में भी बताई हैं और यहाँ पर भी बताई है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिया क्योंकि यहाँ पर आपकी सकल सूरत ये बता रही है कि आपको एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत है, ठीक। तो मैंने ज्यादा डिटेल में बताया। वीडियो जब बनाते हैं तो हम आंखों पे पट्टी बांध करके जैसे पढ़ा रहे हो, आपको आपकी सकल सूरत नहीं दिखती, आप नहीं दिखते, पता नहीं चलता कि आपको कोई बात समझ में आई कि नहीं आई। वहां पर आपका कर्तव्य बन जाता है क्योंकि सप्ताह में एक या दो दिन ही लाइव क्लास चल रही है, बाकी की क्लासेस आप वीडियोस के जरिए ही पढ़ेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि उन वीडियोस से भी आप मैक्सिमम सीख सकें तो कुछ डूज और डोंट्स बता रहा हूँ, यानी मानक कुछ बता रहा हूँ, मानक व्यवहार आपको बता रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद आपको जो भी बात नहीं समझ में आई, आपने देखना शुरू किया पहले मिनट में, आपको लगा कि मुझे पहली लाइन नहीं समझ में आई, तो वही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इतने मिनट इतने सेकेंड पर जो बात बोली गई मुझे नहीं समझ आई, या इतने मिनट इतने सेकेंड से शुरू हुई बात मुझे नहीं समझ में आई, मैं जान जाऊंगा कि आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन की ज्यादा की जरूरत है। या आप अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं कि सर इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ाया है फला और मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया, तो उसी समय हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार मैं आपको बता दूं ये सामर्थ्य बहुत कम बच्चों में होती है कि आप अपने क्वेश्चन को संभाल के रख सकें उस दिन तक जब लाइव क्लास हो, आप वीडियोज देख रहे हैं, अगर उस दौरान अगर आपने अपने डाउट जो हुए अगर नहीं पूछे तो जरूरी नहीं कि लाइव क्लास तक आप उन क्वेश्चंस को संभाल के जिंदा रख सकें, तब तक वो मर जाते हैं क्वेश्चंस, मैं याद ही नहीं रहता कि सवाल क्या था, शंका क्या थी, ठीक है। इसलिए वीडियोस की कमेंट बॉक्स में ही पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछने के दो तीन फायदे हैं। एक तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वहां पे अपना उत्तर भी लिख सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर जिसको आता है वो लिख ले, और इसमें केवल आप ही नहीं जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपके स्कूल के बाहर के भी बच्चे जो देख रहे हैं वह भी उसमें अपना उत्तर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से उसे एक डिस्कशन रूम के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कुछ इवॉल्विंग जो है रूल्स हो गए हैं, डूज एंड डोंट्स हो गए हैं, इस पे आप काम करेंगे अगर ये अच्छे से